ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। उल्लासनगर 5 के अवैध डंपिंग ग्राउंड के विषय को लेकर उल्लासनगर महानगर पालिका के कमिश्नर डॉक्टर राजा दया निधि के साथ एक मीटिंग का आयोजन किया गया। आइए जानते हैं इस मीटिंग में क्या हुआ। मनोज लासी से। जिस प्रकार से 5 नंबर के अवैध डंपिंग ग्राउंड को लेकर जो कि आंदोलन किया जाना है, 3 तारीख को इसके लिए उपोषण भी किया जाना है, तो आज जो है भाजपा की बैठक हुई कमिश्नर सर के साथ, किस प्रकार की बैठक थी, क्या विचार विमर्श किया, क्या निर्णय निकाला गया? देखिए, उल्लासनगर 5 के संतों की भूमि को अवैध डंपिंग ग्राउंड के कारण देवनार बना दिया गया है। पिछले 4 साल से जब उल्लासनगर शहर में शिवसेना की महापौर थी, तब ये डंपिंग ग्राउंड वहाँ पर शिफ्ट किया गया। आज 1.5 लाख उल्लासनगर 5 और 4 की जनता परेशान है इससे निकलते हुए धुएं, गंदगी और बदबू के कारण उनका जीना दुश्वार हो गया है। इस बात को बहुत सारे आंदोलन हुए, शिवसेना पार्टी की तरफ से हुए, भाजपा की तरफ से हुए, एनसीपी की तरफ से हुए, सभी पक्षों की तरफ से हुए, पर कोई ठोस निर्णय अभी तक निकला नहीं है। दिन ब दिन हालात बदतर होते जा रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर उल्लासनगर 5 और 4 के हमारे नगर सेवक शंकर शेरी लुंड, अमर लुंड, दादा सतराम दास जेसवानी, किशोर वनवारी, विरोधी पक्ष, इन लोगों ने मिलकर आने वाली 3 तारीख को 3 सितंबर को अपने अपने घरों में आमरण उपोषण का पत्र आयुक्त को दिया है और पूरे शहर भर में भी इसकी चर्चा है। इसी बात को लेकर आयुक्त ने आज भाजपा शिष्टमंडल को अपने पास बुलाया था, जिसमें आमदार कुमार रानी और जमनू पुरस्वानी की अध्यक्षता में भाजपा शिष्टमंडल गया, जिसमें विरोधी पक्ष नेता किशोर वनवारी, स्थायी समिति सभापति राजेश भद्रिया, मैं महेश तुकरावनी, राजू जग्यासी, डॉक्टर एस बी सिंह, डॉक्टर नाथानी, राजेश टेक्चदानी, दादा सतराम दास जेसवानी, अमर लुंड, शेरी लुंड, सभी करीब 15 भाजपा के हम लोग नगर सेवक और पदाधिकारी गए थे। आयुक्त ने हमसे निवेदन किया कि इनको आप जो आंदोलनकारी है उनको आप मना कीजिए, इतना जल्दी नहीं है डंपिंग को शिफ्ट करना, क्योंकि जो भी पाट पड़ा हुआ है वो सालों से चल रहा है और उसको समय लग सकता है, इसके लिए समय मांगा। जिस बात को आंदोलनकारी जो है शंकर शेरी लुंड, अमर लुंड जी, दादा सतराम दास, किशोर वर्मा जी नाराज होकर उस बैठक से, आयुक्त के दालन से चले आए और नाराज होकर, परेशान होकर उन्होंने आने वाली 3 तारीख को ये पक्का कर दिया है कि वो आमर उपोषण पर बैठेंगे। या और बहुत सारे पहलुओं के ऊपर चर्चा हुई, पर कोई भी अब तक सकारात्मक ऐसी कोई भी चर्चा आज की इस बैठक में हुई नहीं, मैं ये सब कह सकता हूँ। आयुक्त ने शिष्टमंडल को, आमदार को, हमको सबको आश्वस्त किया है कि 3 तारीख से पहले मैं ऐसा कोई ठोस निर्णय लूंगा जिसमें आपको लगेगा कि इस डंपिंग ग्राउंड को, जो लादर 5 का अवैध डंपिंग ग्राउंड है, उसको हटाने की प्रक्रिया चालू हो गई है और उसके ऊपर मैं कार्य कर रहा हूँ। तो आने वाली 3 तारीख को हमको ये देखना है आयुक्त हमको क्या आश्वस्त करते हैं, किस तरह का पत्र देते हैं, किस तरह की तैयारी करते हैं। इस बीच में ये भी खबर आई कि उल्लासनगर 5 के हमारे आमदार डॉक्टर बालाजी किनीकर जी ने आज एक पेपर में दिया है कि 2 तारीख को ऑर्डर आ जाएगा कैबिनेट का और ये डंपिंग हट जाएगा। स्वागत में है, हम स्वागत करेंगे उसका। अगर 2 तारीख को डंपिंग का ऑर्डर आ जाता है तो भी हम जो आंदोलनकारी है उनसे निवेदन करेंगे, क्योंकि उनका जो मुद्दा है वो हट गया है, उनका ऑर्डर आ चुका है, कैबिनेट में पास चुका है, सरकार ने मान लिया है, तो हम आमदार का भी स्वागत करेंगे और इन आंदोलनकारियों को भी मना करेंगे उपोषण पर बैठने के लिए। पर यथा स्थिति ये है कि अब तक इस पर कोई भी आयुक्त की तरफ से या शासन की तरफ से कोई भी ऐसा कोई ठोस सेटिस्फिकेशन जवाब हमको नहीं मिला है, जो हम इन चारों को, शंकर लुंड, अमर लुंड, दादा सतराम दास जेसवानी और किशोर वनवारी को और सैकड़ों, बहुत सारे संस्थाओं ने पत्र दिए, हम भी बैठेंगे, हम भी बैठेंगे, सैकड़ों लोग अपने अपने घरों पर कोरोना को देखते हुए सोशल डिस्टेंस रख के आमरण उपोषण पर बैठने वाले हैं। मुझे लगता है शहर के इतिहास में पहली बार ऐसा आंदोलन हुआ होगा किसी मुद्दे को लेकर जो घर पे बैठ के आंदोलन होगा और जिसमें सैकड़ों लोग, आम जनता, राजकीय लोग तो ये 4-5 ले ही रहे हैं, इसके साथ भाजपा के पदाधिकारी भी ले रहे हैं, पर आम जनता इसमें पार्टिसिपेट करेगी और ये अलग तरीके का आंदोलन इस शहरवासियों को देखने को मिलेगा। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।